हेलो एवरीवन, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईशानी का अन्नप्राशन एंड हाफ बर्थडे। शी टर्न 6 months ओल्ड। इट्स अ सुपर स्पेशल डे फॉर अस एंड अ माइलस्टोन डे फॉर ईशानी फॉर अ लाइफ टाइम। इट्स वेरी स्पेशल बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक वेरी इमोशनल डे एंड इट्स गिविंग अस अ नॉस्टैल्जिया। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा लगता है थोड़े दिन पहले ही तो हम उसको हॉस्पिटल से घर लेके आए थे। शी वाज जस्ट दिस मच एंड टाइम कहाँ उड़ता जा रहा है पता नहीं चल रहा। शी इज 6 months ऑलरेडी, उसके कितने फर्स्ट देख चुके हैं हम। शी स्टार्टेड सिटिंग। आज वो अपनी लाइफ का पहला अन्न ग्रहण करेगी। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम, बट एट द सेम टाइम आई फील प्राउड लाइक आई क्रिएटेड दिस वुमन। So yeah, and अन्नप्राशन सेरेमनी बेसिकली इज लाइक हमारे सनातन धर्म में एक इंसान के पूरे लाइफ स्पैन में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से 7वां संस्कार जो है वो अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो आज ईशानी का 7वां संस्कार है उन 16 संस्कारों में से। हम बहुत दिनों से उसकी तैयारियों में लगे हुए थे, फाइनली वो अन्नप्राशन का दिन आ गया है। प्लीज ज्वाइन ईशानीज अन्नप्राशन सेरेमनी, लेट्स सेलिब्रेट। अभी सुबह के 11 बजे हैं और मैं उसकी मसाज कर रही हूँ। हमने पूरे दिन इंश्योर किया कि ईशानी उसके रेगुलर रूटीन पे रहे। फंक्शन की प्रेपरेशंस में हमारे बिजी होने का असर उसके फीडिंग्स, मसाज एंड नैप वगैरह पे बिल्कुल ना पड़े। शी शुड बी वेल रेस्टेड ताकि शाम को फंक्शन के टाइम पे वो क्रैंकी ना हो, इनफैक्ट वो इंजॉय करे। मसाज के बाद ईशानी सो गई। यूजुअली वो मसाज के बाद सो जाती है और उसके सोते ही हम भागे बाकी की पेंडिंग प्रेपरेशंस करने। आज शाम के 6 बजे का फंक्शन है और अभी तक हमारा डेकोरेशन तक फिनिश नहीं हुआ है। रेडी होना तो वो दूर की बात। तो ये आज शाम की तैयारी हो रही है। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। डैडी नहा लिए हैं बट मम्मा रेडी नहीं है। ईशानी का मसाज हो गया है। शी इज हैविंग अ नैप। उठेगी तो उसका मिल्क बाथ कराना है। विनीला आंटी, आर यू एक्साइटेड? शी ट्रैवल्ड ऑल द वे बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया से। शी वॉज सो एक्साइटेड फॉर हर अन्नप्राशन। सो ये बलून रेडी हो गए। दिस विल गो इन गराज क्योंकि ईशानी का केक कटिंग का डेकोर वहाँ पे करना है। ये हमें कल रात को करना था जो मैंने बोला था ना। तो रात को ईशानी 1 बजे तक नहीं सोई, 2 बज गए थे तो हम भी पूरा टायर्ड हो गए थे तो वी कुडंट डू इट। सो हमने सोचा ओके कल देखी जाएगी। तो ये आज विनीला केम टू हेल्प अस, थैंक यू विनीला। ये आर्च बनेगा इसका एंड ये ऑलमोस्ट डन है। बस ईशानी की खीर बन रही है यहाँ पे। ये दूध चढ़ा दिया है। ईशानी की खीर का सामान रेडी है। एंड एज आई मेंशन, हम ईशानी के अन्नप्राशन की तैयारी में कल पूरा दिन लगे रहे, फिर भी रात के 2 बजे तक भी हमारे काम ख़त्म नहीं हो पाए थे। सारा दिन हमने बैकड्रॉप की प्रेप्स एंड डेकोरेशंस की। सो ये नीचे का तो सेट हो गया है बट हमें ये ऊपर का पोर्शन खाली लग रहा है। सो वी आर थिंकिंग कि ऊपर भी कुछ ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, सो दैट दिस शुड फ्लो विद रेस्ट ऑफ द डेकोरेशन। फिर मैंने फंक्शन में भगवान के प्रसाद के लिए इतनी सारी खीर बनाई जो कि भोग के बाद सारे गेस्ट के लिए भी थी। तो आई मेड माई प्रसाद वाइल लिसनिंग टू श्री विष्णु सहस्रनामम। सो ये अभी प्रसाद की खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये खीर हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद ये मैं एक दिन पहले बना रही हूँ बेसिकली, बिकॉज इसको मुझे फ्रिज में लगाना है। फ्रिज में लगा के एकदम ठंडी ठंडी कल सुबह भगवान जी को भोग लगाएंगे। एंड देन ईशानी के अन्नप्राशन में जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स एंड गेस्ट आए हैं, उनको ये खिलानी है। एंड उसके बाद रात को अराउंड 1 बजे बैठ के हम यहाँ रिटर्न गिफ्ट्स पैक कर रहे थे। एंड फाइनली ईशानी के अन्नप्राशन का बोर्ड बनाते बनाते हम रात के 2 बज गए थे। एंड सी ईशानी भी हमारे साथ साथ ये सब में पार्टिसिपेट कर रही थी अपने तरीके से। शी वॉजंट रेडी टू स्लीप एट ऑल। और ये हमारी ईशानी जी अपनी निन्नी पूरी करके आ गई हैं और बड़ी खुशी के साथ हमारे साथ अपने अभ्यंग स्नान का पानी रेडी करवा रही हैं। इसमें हम गुलाब जल, थोड़े गुलाब की पेटल्स, गाय का दूध और ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर रहे हैं। और ये ईशानी का बाथरूम वगैरह है, नहाने के बाद वो इसको पहनने वाली है। और अब मैं रेडी कर रही हूँ ईशानी के अभ्यंग स्नान का मेन एलिमेंट, उसका सप्तधान या उपटन। एंड दिस इज हाउ आई एम मेकिंग इट। सो दिस इज चंदन, चंदन डाल रहे हैं हम। ये है सप्तधान्या, तो इसमें तिल, गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, जौ एंड चना है। ये सब मिक्स करके रेडी करेंगे। ये सब मैंने कर्ड के अंदर डाला है। ईशानी को अभी जो हम मिल्क बाथ देंगे उसमें इससे शगुन के लिए लगाएंगे, बिकॉज अभी पूरा लगा नहीं सकते उसको, सिर्फ शगुन के लिए थोड़ा थोड़ा लगवा देंगे। I really want to point one thing here that I'm keeping this video as raw and real as possible while editing, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक रेगुलर वीडियो नहीं है, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इनफैक्ट ये एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी है जिसको मैं इस वीडियो के थ्रू फ्यूचर में भी बार बार जीना चाहती हूँ। एंड आई विश के ईशानी भी बड़ी होके जब ये वीडियो देखे तो ये सब कुछ एज इट इज़ देख पाए एंड समझे कि ये दिन कितना खास था। मैंने हर एक मोमेंट वैसे ही कैप्चर किया है जैसे कि उस दिन हुआ। एंड आई केप्ट एवरीथिंग नेचुरल एंड ट्रू टू द डे। इनफैक्ट रिचुअल्स और पूजा भी उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में ही रखी है वीडियो में। इनफैक्ट पूजा मैंने थोड़ी कट शॉर्ट कर दी है, बट स्टिल वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन being a first time mom, I really don't want to miss on any of these precious moments for me. For me it's like lifetime moments and yeah, thank you so much for sticking with me and being a part of this special journey. Your support means the world to me. Video bhi khatam nahi hui hai, let's watch ahead. Look at my cutie, how happy and excited she is. तो अब हम ईशानी को शाम के फंक्शन के लिए ये ड्रेस पहनाने वाले हैं और फिर उसको रेडी करके हमें ईशानी के साथ एक अन्न पूजा भी करनी है। नहाने के बाद यूजुअली वो फिर से एक नैप लेती है, तो आई एम प्लानिंग कि उसके सोने से पहले ही हम ये अन्न पूजा कर लेंगे। सो इट्स बेटर कि अगर वो ये पूजा गेस्ट के आने से पहले हो जाए, सो शी विल बी फ्री बाय देन। आई फील इतना डेकोरेशंस एंड डिफरेंट बात वगैरह देख के ना उसको समझ आ गया था कि आज कुछ तो अलग हो रहा है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई और सब कुछ बहुत खुश होके वो भी करवा रही थी साथ में। टच वुड, जय जय कर दो, जय 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 जय। धरती माता को मथा टेको, धरती माता से हमें फल, सब्जियां और हमारे जीने के लिए बाकी चीजें जो भी जरूरी होती है सब हमें माता से मिलती हैं, इसलिए मथा टेको, माता को जय करो, बोलो हे माँ वसुधा देवी मैं आपकी शरणागत हूँ, आज मैं अपने जीवन का प्रथम अन्न ग्रहण करने जा रही हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं, मेरा शरीर दीर्घायु बने, मैं ओजस्वी, तेजस्वी और बुद्धिमान बनूं। हे माता मुझ पर कृपा करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जी मैं अपने श्री गुरुदेव और सप्त ऋषियों, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि जमदाग्नि, ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि भारद्वाज को के सहित, मैं अपने श्री गुरुदेव सहित सप्त ऋषियों और सप्त चिरंजीवियों का आवाहन करती हूँ, कृपया आज यहाँ मेरे शुभ अन्नप्राशन में आकर मुझे आशीर्वाद दें और मुझ पर कृपा करें कि मैं अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करूँ और मुझे जीवन भर आजीवन अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करूं। बोलो जय गुरुदेव। हर हर महादेव। ओम तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। मत्था टेको, मत्था टेको, ए हाँ चलो मत्था टेक लो। जय 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 जय, आशीर्वाद ले लो। So, अभी मैं रेडी हो रही हूँ। ईशानी इज रेडी नाउ, इट्स माय टर्न टू गेट रेडी, बट हम ऑलरेडी लेट हो गए। सो ये है आज के डेकोर का फाइनल लुक। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, मोस्टली सारे फ्रेंड्स एंड गेस्ट आ चुके हैं। सो अभी हम ईशानी की सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे बेबी को नानी की गोदी में बिठा के बेबी की मम्मा उसे खिलाती है फर्स्ट टाइम। सो ईशानी दीना आंटी की गोदी में बैठी है और उसे मैंने खीर सोने की रिंग से चटाई फॉर द फर्स्ट बाइट। एंड हमारे छोटों के लिए भी अरेंज चांदी की कटोरी, चम्मच, ग्लास, स्पून एंड ऑल दैट। सो बिकॉज हमारे यहाँ पे चांदी की कटोरी एंड चम्मच एटलीस्ट इट्स मैंडेटरी। सो हियर यू गो। अच्छा लगा उसको। ईशा, ईशानी। वो किसने रखा था यार? अब बिठा देगा उसको। मजा वो नहीं कि। I think she likes it. Yeah, she likes it. निकाल दे का फोटो निकाल। आजा। चलो। Is she also going to taste other? All kids. Sa sa re re mama papa ni ni mama papa ni ni sa 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 ni da pa ma re ma pa pa mama pa pa ma pa ni da pa ma re ga sa re ma pa। तो ईशानी के अन्नप्राशन सेरेमनी के बाद हम सारे लोग आ गए गैराज में, क्योंकि यहाँ हमने ईशानी के केक कटिंग की तैयारी की हुई थी। सो उसी दिन पे ही हमने ईशानी के 6 मंथ बर्थडे का केक कटिंग भी रखा हुआ था। सो हियर इज हर हाफ बर्थडे केक एंड अ लिटिल बैकड्रॉप। तो आ जाओ अब ईशानी का हाफ बर्थडे केक काटते हैं। Well, this is it from Ishani's Annaprashan Day. Thank you so much for joining and being a part of this lifelong journey. If you enjoyed watching this video and want to watch more of Ishani, please consider subscribing to this channel so that we can stay connected. Stay tuned for the next video where we are exploring a zoo with Ishani on her 7th month birthday, as we are taking her to different places on her monthly birthdays. Until then, take care and stay connected. Bye bye.